अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बड़ी मुद्दत के बाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। 2 दिन पहले मेरी नज़र से कुछ ऐसे वीडियोस गुजरे जिनको देख के मुझसे रहा नहीं गया कि मैं भी अपनी तरफ से इस बात को हाईलाइट करूँ। ये मेरी वीडियो का एक छोटा जैसा हिस्सा था जो क्लिप आपने देखा। आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहे, एंड तक जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपसे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और अब हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूरी कहानी क्या है, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको आपके सामने रख देता हूँ। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ जिस आंदोलन में भारत जोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। जाहिरन ये देखा जाए तो ये सुनने और देखने में बहुत ही बेहतर और अच्छा लगता है, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं और वहां जो फुटेज निकल कर आई है उसको देखते हैं, उस वीडियो क्लिप्स को देखते हैं, तो यकीनन ये एक ऐसी चीज हुई जो हिंदुस्तान के नाम के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो सकता है। प्रोटेस्ट हुआ, फ्राइडे प्रोटेस्ट हुआ हज हाउस के अगेंस्ट। इसमें बहुत सारी ऐसी संस्था जुड़ी थी, ऐसी फेडरेशन जुड़ी थी, जैसे कि हिंदू शक्ति संस्था थी, या इसमें संपूर्ण देहांत थी, या फेडरेशन ऑफ दिवारिका थी। तो इन्होंने क्या क्या स्लोगन्स लगाए, और उन स्लोगन्स को जब आदमी सुनता है और वो सुन के ऐसा अंदाजा लगा सकता है कि इनके दिल में कितनी नफरत हो सकती है और है किसी किसी मजहब के लिए, और इनको किसने इतने राइट्स दिए जो ये किसी भी मजहब को, और ये किस तरह खुले मुखुले में एक वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं, एक मैसेकर प्रमोट कर रहे हैं, और ये किस तरह दिया कि राइट टू ब्लास्फेमी, ये किसी भी मजहब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और हमारे अल्लाह के बारे में ऐसा बोले कि अल्लाह को नाउज़ बिल्ला काटा जाएगा, या बाकी ऐसे अल्फाज बोले मुल्ले काटे जाएंगे, या जैसे ये बाय फोर्स जय श्री राम एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि बोलो, हत्तंकि वो जर्नलिस्ट खुद भी हिंदू है। उनकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करूंगा, और बाकी आप वीडियो में आगे जुड़े रहें, और भी आपके साथ इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर किए जाएंगे। हज हाउस के रिगार्डिंग, तो 2008 में जो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थे उन्होंने इसके लिए 5000 स्क्वायर मीटर की एक जगह दी गई जहां हज हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और 2018 में अरविंद केजरीवाल ने जो स्टिल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने इसके लिए 94 करोड़ भी अलर्ट किए, बट स्टिल इट्स इनकम्प्लीटेड। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, और सवाल के जो सिलसिला है इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बरकरार रखूंगा। आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है और ये इन्फॉर्मेशन आप बाकी लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहूं इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, और इस सिलसिले को कायम रखूं। ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां कुछ ऐसे स्लोगन्स और ऐसे बैनर्स देखे जिनको हम देखें तो वह एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का वो काम नहीं है। जैसे कि 10 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रन थे वो भी विद योर फैमिलीज वो वहां आए थे, और वहां देखें हम उन्होंने कुछ ऐसे स्लोगन्स उठाए हुए थे कि इस्लाम का विनाश, या ऐसे एक और वीडियो बड़ा ही पॉपुलर हुआ, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा, ये वीडियो आप देख लें। इस्लाम के फट हट जाइयो, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा यहीं पे, समझ रहा है ना? भूमि हमारी है, इसका फैसला हम करेंगे। यहाँ पे मुसलमान आएगा तो यहाँ पे गंदगी आएगी। अगर यहाँ पे मंदिर हमें जरूरत नहीं, हज हाउस की यहाँ पे मंदिर बनाओ, हज हाउस ही क्यों, हमें मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें अपना। एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ उत्तम मलिक का,
जो हम शागिर्द कहें या कंपेनियन कहें नरसिंह सिंह हंदन का, जो आप जानते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था, एक हैशटैग चला था अरेस्ट नरसिंह आनंद, तो उनके रिगार्डिंग कुछ ऐसे वीडियोस आए, आप उस वीडियोस को देख लें। दुश्मनों से अच्छे हथियार अगर उनके पास, अब चलिए खैर मैं और बहुत लंबाई से नहीं कहूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि शस्त्र में जयते, अच्छे से अच्छे हथियार, बेहतर से बेहतरीन हथियार, बेस्ट वेपन्स, गुड नहीं बेस्ट वेपन्स होने चाहिए हमारे पास। ये हर हिंदू के लिए मेरा केवल यही संदेश है, इसके अलावा कोई संदेश नहीं है। तो भाई गुरु जी का ये संदेश याद रखना, शस्त्र में जयते। और कुछ ऐसे स्लोगन्स भी लगे कि जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो आप वो वीडियोस भी देख लें। रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। जिन जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया था पहले, जर्नलिस्ट है नेशनल दस्ते के अनमोल प्रीतम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो मालूम है कि ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई सही से मेरे धर्म में क्यों नहीं बोल सकता। अरे बहुत सारी लिस्ट तैयार हो चुकी है, अगर ये किसी और रिलीजन ने किया होता, किसी और रिलीजन के हेड ने किया होता, ऐसे जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तम मलिक या नरसिम्हा आनंद जैसे प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस, या खुला मुखुला बता रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं इसकी तरफ, वायलेंस की तरफ, या कोई मोब कैसे अटैक कर रही, हालांकि ये मोब है, लेकिन अगर हम देखें कि इन ग्रुप्स में पूरा आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जर्नलिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये कौन कौन बंदे हैं। अब गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहेगा, जुडिशरी इस पे क्या करेगी, तो ये सारी चीजें अभी देखने बाकी हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इशू है इसको हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हाईलाइट करने की कोशिश करें। हो सकता है आइंदा ऐसी चीजें ना हो, और जो चीजें हो गई हैं उन पे एक सही तरीके से उन पे कदगन लगाया जाए। अब देखते हैं आगे इस चीज के बारे में क्या होता। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक अगर कर दिया है तो उसके लिए भी थैंक यू, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच।